ट्रिपल्स के ऊपर है। चलो यहाँ पर तो जी सी के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलो जी सी, जी सी बोलो, सी जी बोलो तो ट्रिपल, ए टी बोलो तो डबल। चलो बोलो जी सी, जी सी बोलते जाओ, ए टी, ए टी, ए टी, जी सी, जी सी, ए टी, ए टी। हाँ मैं तो ए जो मैंने किया है पूरा चेंज है, मतलब जो वही हम ऐसा डी एन ए कर, तो ए क्या है, बेकोन ऑफ रिबोस है। अब इसका जो लेंथ है ना होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं नापना तो आप इसमें नाप सकते हो नैनोमीटर। इसका जो है ना वो 3.4 नैनोमीटर है। अब मैं यूँ बोलूँ कि पूरे का लेंथ 3.4 नैनोमीटर और यहाँ पर टोटल कितना बेस पर यूज हुआ है 10, तो दो के बीच में अंतर कितना होगा डिवाइड बाई 10। कैसे मैं यूँ बोलूँ कि एक दीवार 10 फीट की, दीवार कितने फीट की, अब मैं यूँ यूज़ करूँ यहाँ पर कि उसमें 10 ब्रिक्स का यूज़ हुआ है ईंटों का, तो जाहिर सी बात है हर ब्रिक्स का लेंथ कितना होगा 1 फीट डिवाइड बाई 10 किया, तो मैं यूँ कहूँ कि पूरे हेलिक्स का लेंथ 34 इंच होगा और उसमें 10 बेस पर आएगी, दो के बीच में अंतर कितना, या फिर मैं यूँ कहूँ कि दो के बीच में 3.4 नैनो अपना नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर, दो के बीच में कितना अंतर है भाई 0.34 नैनोमीटर, तो ऐसा 10 है तो पूरे का लेंथ कितना होगा इंटू 10, क्यों इसमें इतना रॉकेट से 3.4 नैनोमीटर। समझ में आया, चलो ये हो गया लेंथ। अब ये हो गया विड्थ, विड्थ होता है 20 इंच, कितना होता है यहाँ पे 20 नहीं बोलना तो 2 नैनोमीटर।